पानी 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 हर घर जल हर घर नल पर पानी का बंद है। पानी दो। आज पूरा उत्तराखंड तरफुर से पानी बिगड़ जो पक्षी उड़ दो आसमान में सर्ग दीदा पानी पानी वो पक्षी आसमान में उड़ती रह दो कि कब बरगा बोली कब मैं पानी पेलू और तनी आज उत्तराखंड का हाल हाल हो गया ना पूरा उत्तराखंड आज पानी का तरफ हो जाए। बड़कोट में करीब ढाई तीन महीना हो गया ना पानी नहीं होने बल पानी खातर बड़ी मुश्किल ये योजना बैठे बैठे गई 20 लाख मार एक लगाए थे वो चबा में तो वो जो जमीन में पानी खेल दो तो हैंडपंप लान पर ये बार भी पानी बहुत कम हो रहा है। देखो वाह अभी सर उन्हें ले आई कैमरा में उड़ा अब देखा तुम यू पाइप था ये पर पानी होने वाले है 120 लीटर प्रति मिनट होने वाले पर हमारे लगड़ू नहीं करीबन 2-3 लाख एक जनता बोली ये पानी चौड़ और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखा कि कहें ठीक बोली कि निज बल गंगा बगनी और हम तीसरा मन लगिया तय पानी माँ बिजली बढ़ लगी बैर जान लगी उजाड़ू बैर पानी बैर जंगल हमारा फुकड़ लगिया जंगलात के जंगल फुकड़ लिया कोई परवाह नहीं पहले लोग जंगल जान धान लोग बचाओ ना घास पतली होता वो भी हम पर प्रतिबंध लगी लोगों को बेहतर छोड़ आए ठीक है। हम ये पर विधायक से भी बात कर ला और स्थानीय जनता का हाल दिखो ला आप नहीं कैसे बड़ा कंटर जन मोदी जी नहीं बोलता जब आए तो कोरोना की थाली बजा तन आज बाल्टी रंग बिरंगी बाल्टी ना दिखा नहीं आया हाँ लेकिन खाली बाल्टी दगड़ियों तो कुल नगदे पहाड़ को विनाश हुई यहाँ मांगी तो उत्तराखंड है कि उत्तराखंड बच लो पर यो तो बेचारी लग रही अब हमार पानी बिकेगी जंगल बिकन जमीन बिक सब कुछ बिकेगी भाई बोल रही लगा बड़ा कि बोला मेरे नौ बजे कि साहब मेरे कुछ काम करिए मैं तक बार वोट मिल जाओ पर वोट मिलू नहीं मिलू पर हम तो चोट जरूर मिल लगी तो चला आओ अगले चल रहा हूँ और मिलो ना आपते हैं जनता सी ब्याह रात हम दिख रही कि टैंकर चल गया धका तक टैंकर चल लिया नमस्कार। तो अभी हम हैं बड़कोट में और अभी आज ये विधायक साहब को नहीं मिले लेकिन उनके छोटे भाई विनोद डोभाल जी जिन्हें बड़े प्यार से पुकारते हैं कुतरू तो मैं आज उनसे ही बात करता हूँ कि आज पानी के बारे में। नमस्कार रतुड़ी जी। बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद आपका रतुड़ी जी और आपका बड़कोट नगर पंचायत नगर पालिका में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम यहाँ घूमे पानी समस्या तो है लेकिन एक बात अच्छी सुनने को मिली भाई साहब पानी तो नहीं है लेकिन टैंकर के माध्यम से आ रहा है बहुत बड़ी बात है लेकिन पानी फिर भी कब तक आ पाएगा रतुड़ी जी। असल में दरअसल क्या है कि जो बड़कोट नगर पालिका है यहाँ की जनसंख्या जो है पहले 2-2.5 हजार रही होगी और उस समय जो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर था जो पाइपलाइन वगैरह टैंक ये उस जमाने की है नई कोई सुविधा इसमें जुड़ी नहीं पानी को लेके। अब पॉपुलेशन यहाँ की मेरे ख्याल से 15-20 हजार हो गई है
इसलिए लोगों को गर्मियों के टाइम क्योंकि यात्रा भी चलती है थोड़ा सा असुविधा होती है, तो ये इसका मुख्य कारण है। अभी हम गए थे मुख्य स्रोत पे जहाँ पे एक बोरिंग की गई है, वहाँ पर भी पानी जिस मात्रा में आना चाहिए था उस मात्रा में नहीं है। चलिए वहाँ पे अगर पानी उस मात्रा में नहीं आ रहा है तो वो तो किसी का फॉल्ट नहीं है बेसिकली, वहाँ हो सकता है ग्रेविटी वाटर का लेवल नहीं हो, तो उसमें तो क्या ज्यादा नहीं, वो एक टेक्निकल पॉइंट है, उसमें तो कुछ ज्यादा नहीं कह सकेंगे। लेकिन बड़कोट की जो पानी की व्यवस्था है, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बड़े भाई संजय डोभाल जी हैं वो इस 2022 से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और पानी की जो समस्या बड़कोट में इस बार ही ज्यादा हुई है वो ये कहो कि पिछले टाइम शायद बरसात कम हुई थी, तो जो पीछे स्रोत है पानी का उसमें पानी कम हुआ है, तो जब से ये समस्या हुई है पानी की तो इसके लिए जल संस्थान को 125 करोड़ रुपए के आसपास में सेंक्शन हो गया है, और जो पुराने विधायक जी थे केदार सिंह जी या पहले वाले, जिन्होंने भी वो एक योजना थी बड़कोट में जिसके लिए नदी किनारे पे बोर होना था और उससे पानी की सप्लाई देनी थी, वो आगे नहीं बढ़ पाई है, तो उस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है और उसमें पैसा डलवा दिया गया है। मतलब बहुत जल्दी लोगों को पानी मिलने वाला, लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल जाएगा ऐसी उम्मीद है। बात आपकी बहुत अच्छी लगी, पिछले विधायक जो थे केदार सिंह जी उनकी आपने तारीफ की है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि ये काम हमने करा, पिछले का नाम ही कायम कर देते। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम ऐसे लोग है ही नहीं कहते, जो उन्होंने करा था देखो उसका उनका जो उस काम का योगदान है वो उसके लिए उनको मिलना चाहिए, और हमेशा हमसे जब जब हो गया और जहां वो अपनी योजना छोड़ के गए थे हमारा सीधा सा है, हम उस योजना को हमेशा आगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि उन्होंने करी थी अब हम आए तो हम उसे बंद कर देंगे, ऐसा कतई ही नहीं है। चाहे रोपवे वाला है एक प्रोजेक्ट है वो भी उन्हीं के समय है, या पिछले वाले जो विधायक रहेंगे उनके समय सेंक्शन हुआ था लेकिन किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाया था, उसका भी एग्रीमेंट हो चुका है पीपीपी मोड पे, और उसका जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है उसका पैसा भी जमा हो गया है, और ऐसा ही एक नवोदय विद्यालय था जो पहले से सेंक्शन था लेकिन उसके लिए भूमि आवंटित भी थी लेकिन उसकी जो बिल्डिंग का जो टेंडर है वो नहीं हो पा रहा था, वो भी इस विधायक जी ने अपने जो पिछले 2 साल का कार्यकाल है उसमें उसके टेंडर प्रोसेस भी हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है। जो भैया जिन लोगों ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करा वो उनकी जिम्मेदारी भी थी, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए करा और जो उन्होंने करा इस क्षेत्र के लिए उसका योगदान उनको मिलना चाहिए, हमारे तो व्यक्तिगत सोच ऐसी है। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 20 लाख रुपए करीब उस बोरिंग में लग चुके हैं और जितना लगा है उतना काम हमें तो दिखता नहीं है, कुछ कह पाएंगे उस पर? देखिए अब ये तो जल संस्थान जाने और जिस संस्था ने वो पैसा दिया था वो लोग जाने, हम तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं कह पाएंगे, लेकिन वो काम क्या है कि ये पैसा बाद में जिला पंचायत ने दिया, पहले हम उसको अपने खर्चे से कर रहे थे, और ये आइडिया भी हम ही ने उनको दिया था जल संस्थान को कि भाई वहाँ पे एक फिलहाल एक बोरिंग करो, टेम्परेरी व्यवस्था कर देते हैं ताकि लोगों को कुछ तो निजात मिले पानी की, लेकिन तब उसमें राजनीति होने लगी, तो उस समय हमने साफ कहा था डिपार्टमेंट को कि भैया इसमें जो खर्चा आएगा बोरिंग का और बिजली बिजली कनेक्शन का मोटर का वो पैसा हम आपको दे देंगे, और अगर कभी भविष्य में कहीं से ये पैसा आपको इसके एवज में मिलता है तो हमारा पैसा लौटा देना, और नहीं मिलता तो ये काम हम करा देते हैं, हमने वही साफ सुथरा उनको बोला था, लेकिन बीच में राजनीति के उसमें होने लगी फिर हमने अपने हाथ उसमें खींच लिया। मैंने ये भी सुना था कि आपने स्टार्टिंग उसी करी थी लेकिन जैसे राजनीति दल कूद जाते हैं तो फिर आप ही छट जाते हैं। ऐसा देखो हमारा सिर्फ है कि हम काम करेंगे लेकिन जहां राजनीति होने लगेगी हम उस कीचड़ में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ काम करने का है, इसलिए हम ऐसे जगह से अपने को सीधा सा वापस कर लेते हैं, ये हमारा अपना वो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए दोस्तों एक बात मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, एक दुर्भाग्य हमारे पहाड़ों का और भी है कि नेता ही काम करते हैं, नेता ही काम खराब करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जब काम होने पर आता है तो उसमें कई लोग कूद जाते हैं और जब नहीं हो पाता तो हट जाते हैं, हर हो गया तो हमने कर दिया, हर कोई श्रेय लेना चाहता है, ये भी मुझे लगता है दुर्भाग्य हमारे पहाड़ का, हर कोई श्रेय लेना चाहता है, काम को करना नहीं चाहता। देखिए ऐसा है, आपकी रेपुटेशन समाज में आपके कर्मों के हिसाब से होगी, जो लोग ऐसा करते होंगे उनके कर्म उनके पास है, उनकी रेपुटेशन उनके पास है, हमारे जो कर्म है हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं वो हमारे पास है, तो उन लोगों के बारे में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो अपनी करें, जैसी राजनीति उनको अच्छी लगती है वैसे करें, हमें जैसे अच्छी लगती है हम वैसे करते हैं।